Check, check, check. Microphone check. Yes, you can hear me. Good evening. There's a slight problem with the camera. Give me 10 seconds, please. That's exactly what I was trying to fix, but I think I'm still not able to fix that. Let me check that out. Perfect. Sounds good. Let me check that out. Yes, no, maybe. Can you hear me, see me clearly? No, I think we still need to focus a little bit. Kaise ho yaar bachcho, ye batao. Are you ready for the test on evolution? Ab theek lag raha hai? Focus ho gaya? Ready for the test? हाँ, एक्चुअली मेरे को चश्मे के बिना पता नहीं चलता है उसके पीछे चश्मे के साथ छोटा सा स्क्रीन है. ठीक है, रेडी फॉर द टेस्ट ऑन एवोल्यूशन. गुड इवनिंग. डॉन्ट, चैप्टर आधा हुआ है, आधा अभी बचा बना है. थॉट चलिए टेस्ट ले ही लेते हैं. सो गुड इवनिंग मैस्कॉट्स, पढ़कर आए. जहां तक मैंने कराया हार्डी विनबर्ग के बहुत सारे क्वेश्चन आज लेकर आई, तो पता चल जाएगा कि हार्डी विनबर्ग की तैयारी कहां तक पहुंची है मेरे स्टूडेंट्स की. बाय द वे, डिड यू सी दिस लेक्चर? सारे के सारे क्वेश्चंस की आपने रिकॉर्डिंग देखी, वीडियोस में जाके वाली रिकॉर्डिंग देखो. ऑल क्वेश्चंस ऑफ नीट 2021 फ्रॉम बायोटॉनिक, एंड आप देखिए और जानिए कि कितने सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट 99 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम बायोटॉनिक, एंड एग्जैक्ट लाइंस ऑफ आवर क्लास हैव कम इन क्वेश्चंस. इफ देयर एनी प्रॉब्लम, any प्रॉब्लम 21 के स्टूडेंट्स है, एग्जाम अच्छा नहीं गया, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ ऑल्टरनेट डिस्कस करना चाहते हैं, 22 के स्टूडेंट्स है, बैकलॉग इतना है, पढ़ाई कैसे करें, कुछ भी है, ask us. वाणी सूद फॉर वेदांत इज माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन गेट इन टच विद मी. 2022 कल आपके लिए डिसिप्लिन के लिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, कैसे पढ़े, वन ऑफ द गोल्डन रूल्स टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन इज कमिंग टुमारो. कल प्लांट किंगडम का क्विज है, तो सारा पुराना पड़ा रिवाइज करने के लिए प्लांट किंगडम के क्विज के लिए आ जाएगा. और मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, शेयरिंग, subscribing, hitting the like button and becoming a part of Vedant Biotronic. So please make sure that you like, please make sure that you share, please make sure that you subscribe. And guys, आपको Vedantu Improvement Promise तो पता है ना? पता है कि भूल गए? Vedantu Improvement Promise, that हम आपके marks की responsibility लेते हैं, और अगर आपके marks अच्छे नहीं आएंगे, God forbid, कोई भी reason है, अगर आपके marks अच्छे नहीं आए, तो हम ये प्रॉमिस करते हैं दैट वी विल रिटर्न योर मनी बैक. सो 12th क्लास के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, 6 सितंबर को मैंने स्टार्ट कर दिया है. ऑब्वियसली टर्म 1 का कंप्लीट सिलेबस भी मैंने आपको करवा दिया, तो आ जाइए. टाइम चेंज क्या करूं बेटा गंजन जी, 9 बजे से कितना लेट करूं, क्या टाइम चाहिए बेटा? कोई भी टाइम रख लो, कोई ना कोई बच्चा तो परेशान रहेगा ही, है ना? तो आप आ जाइए, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है. और आपको पता ही है सीबीएसई टर्म 1 का क्रैश कोर्स भी शुरू हो गया, अक्टूबर में स्टार्ट होगा, और मिड नवंबर तक जब तक आपका सीबीएसई एग्जाम होगा, 45-50 डेज में फुल सिलेबस ओवर. आपको पता है assertion reason quizzes आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, बिफोर द बैचेस फिनिश ज्वाइन दिस, राइट? ऐसा ना हो कि बैचेस की एनरोलमेंट खत्म हो जाए. सो ज्वाइन कर लीजिए, मेक श्योर दैट यू लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, हिट द लाइक बटन. डाउट सपोर्ट, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, हर एक क्लास का लाइव का रिकॉर्डिंग, 3D कंटेंट, क्लास में असाइनमेंट्स, क्लास के बाद असाइनमेंट्स, एवरी सिंगल थिंग इज कवर्ड इन आवर मॉक सीरीज, इज कवर्ड इन आवर टेस्ट. कोड वीडी प्रो याद रखिए, और लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. इफ यू अप्लाई माई कोड, यू गेट 37-40% ऑफ. यस, स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट. रेडी आज एवोल्यूशन के मॉक टेस्ट के लिए, 4th अक्टूबर को स्टार्ट कर रहे हो, और आपका 10th नवंबर से पहले पहले फुल सिलेबस ओवर हो जाएगा. 45 क्लासेस, अनलिमिटेड डाउट्स इन एवरी क्लास, टेस्ट्स, लाइव लेक्चर्स, क्लास के बाद असाइनमेंट्स, क्लास में असाइनमेंट्स, एमसीक्यू डिस्कशंस, मॉक टेस्ट इन द क्लास, चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स, और अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेस, सो दैट यू कैन कीप ऑन रिवाइजिंग. और 12th का नीट तो है, 12th की नीट की प्रिपरेशन में आपको 11th फ्री कराया जाता है, क्रैश कोर्स फ्री में दिया जाता है, लाइव क्लासेस दी जाती है, माइक्रो कोर्सेस दिए जाते हैं, ऑल फॉर अ प्राइस ऑफ 3060. सो डोंट मिस एनी ऑफ द सेशंस. इसका भी कोड वीडी प्रो है, पर अब चलते हैं सीधा आज के सुपर से भी ऊपर मेंटी के ऊपर, राइट? आइए, तो ये रहा मेंटी, कर देते हैं प्रेजेंट. ओके, जूम फुल
नहीं। तो आपको क्या करना है, लेट मी टेल यू, अपने फोन की स्क्रीन पे या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे डाल दीजिए menti.com, ये डाल दिया, और यहां डाल दो कोड 6484457 कर दो सब, दैट्स इट। मेरा नाम है मिली और कर दो ज्वाइन क्विज, दैट्स ऑल, आ जाइए। चलिए Done, can we start? 5, 4, 3, 2, 1. Me. Perfect. गुंडे सेपारो, आप मेरे से पूछ रहे हैं मैम प्लीज रिस्पॉन्ड टू, मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं आया है। गुंजन समवॉट अर्लियर तो नहीं हो सकता बेटा, बिकॉज 7 to 8 तो मेरा एक भी क्लास खत्म होता है, फिर 8:15 हो जाता है, क्लास खत्म करते करते तो तब थोड़ा सा तो टाइम चाहिए होता है ना टू सेट अप द न्यू क्लास। चलिए कल की क्लास, इन केस ऑफ पेपर्ड वॉथ बिस्टन बिटुलेरिया द डार्क कलर्ड फॉर्म बिकेम डोमिनेंट ओवर द लाइट कलर्ड फॉर्म इन इंग्लैंड ड्यू टू इंडस्ट्रियल और ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन। इट इज बिकॉज ऑफ मिमिक्री, नेचुरल सिलेक्शन, अपियरेंस ड्यू टू लाइट बीइंग लेस और इनहेरिटेंस ऑफ डार्कर कलर। अगर कल की क्लास किसी भी स्टूडेंट ने अटेंड की थी तो उनको ये क्वेश्चन आता है। अरुणिमा, खुशी, जेम्स, वैशाली, प्रिंसी, अमीशा, डिस्गाइज्ड, ऑब्वियसली नेचर ने सिलेक्ट किया। पहले द ट्री बार्क वाज व्हाइट इन कलर, सो द व्हाइट मॉथ वाज विजिबल, राइट, वाज गेटिंग कैमोफ्लेज, ब्लैक विजिबल थी तो ब्लैक को खा जाती थी बर्ड, उसकी पॉपुलेशन कम थी। बाद में ट्री की बार्क ब्लैक हो गई, राइट, सो ब्लैक वाली छुप गई और जो व्हाइट वाली है वो विजिबल हो गई। अगला सवाल, चलिए 30 क्वेश्चन टिल द टॉपिक दैट वी आर डूइंग। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2PQ माइनस क्यू स्क्वायर माइनस बताइए आंसर। प्लस होना चाहिए था सी 1, पी स्क्वायर प्लस 2 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1, द आंसर शुड हैव बीन प्लस, इट शुड हैव बीन प्लस बेटा, 2025 वाले नंदिनी, इट शुड हैव बीन प्लस, आंसर इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3, रौनक आप लगा के देख लेते, कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन और कुछ लग ही नहीं रहा था, या तो आंसर हो सकता था उसमें क्यू स्क्वायर ऐड करो, यहां से क्यू स्क्वायर माइनस करो। अलील जो जीन का एक अल्टरनेट फॉर्म है, जीन का अल्टरनेट फॉर्म हमेशा रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में बराबर रहता है, इक्विलिब्रियम पे रहता है, फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होगी? आइसोलेटेड पॉपुलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन, आइसोलेट कर दिया आपने पॉपुलेशन को, स्मॉल पॉपुलेशन है, आइसोलेटेड पॉपुलेशन है,
देयर इज जीन फ्लो तो होता है जब कोई एमिग्रेट कर रहा है या इमिग्रेट कर रहा है. म्यूटेशन इज सडन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में. कल मैंने 3 या 4 बार बोला है छोटी आइसोलेटेड पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट. जब नेचर सिलेक्ट करता है तो नेचुरल सिलेक्शन, पर वो तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है. खुशी थी कन्या वेल डन, आस्था वेल डन, आसना फिनिक्स तान्या वेल डन की. स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, बी योर ओन इंस्पिरेशन, आई बी ज्वाइनिंग यू देयर सून. खुशी नू चलिए. स्टेबिलाइजिंग बीच वाला डायरेक्शनल नहीं है, डिसरप्टिव नहीं है, स्टेबिलाइजिंग. स्टेबिलाइजिंग एक भी एक्सट्रीम होगा वो डायरेक्शनल सिलेक्शन होगी. याद कीजिए एक ही क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में कराया है. इफ इट आइदर मूव्स टू दिस साइड या इधर मूव करेगा एक्सट्रीम पे, वो डायरेक्शनल सिलेक्शन है. स्टेबिलाइजिंग होती है ये बीच की, ना इधर ना इधर. दिस इज कॉल्ड एज स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन. क्या कहलाती है ये? स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन. चलो फिफ्थ, बीच की स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन. सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट. स्ट्रेप्टोमाइसिन वाला मीडियम. स्ट्रेप्टोमाइसिन, वेल डन, वेरी नाइस क्वेश्चन. बेटा देखिए, हो सकता है म्यूटेशन नहीं है, म्यूटेशन नहीं है, बैक्टीरिया है. ये बैक्टीरिया का नॉर्मल डीएनए है या आरएनए है बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया का प्लास्मिड है. प्लास्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. प्लास्मिड इज ऑलवेज द एक्स्ट्रा डीएनए विच इट हैज. प्लास्मिड जो है वो बाकी बैक्टीरिया में स्प्रेड हो जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन. कैसे स्प्रेड होता है? कॉन्जुगेशन से. लिखिए इसे प्लीज. कैसे स्प्रेड होता है? हाउ डू बैक्टीरिया स्प्रेड द प्लास्मिड? बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन. और नेचर जो है वो किसको करेगा? नेचर सिलेक्ट करेगा जिसके पास प्लास्मिड है. क्यों सिलेक्ट करेगा जिसके पास प्लास्मिड है? बिकॉज इट विल गिव रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक. आया समझ में? इट इज गोइंग टू गिव रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक. आया समझ में? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इट इज गोइंग टू गिव रेजिस्टेंस फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. इट इज नेचर विच इज चूजिंग. नेचर उसी बैक्टीरिया को चूज करेगा जिसके पास प्लास्मिड है, विच विल गिव रेजिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट? नॉट पूछा है मैंने. चलिए बताइए. चलिए Which of the following is not an example? What is it? It is convergent. Root tuber, stem tuber, convergent. Both of them are saving food as starch. It is not divergent. घुमा दिया. Yes, everybody, ये KVPY में भी आ सकता है. It is also a KVPY question. Root tuber, stem tuber.
merchant, both of them are saving food as starch. Classroom example है, मैंने class में करवाया है. Sweet potato is a root tuber, normal potato is a stem tuber. Right? Marsupials, adaptive radiation, divergent evolution, not पूछा है. Darwin's finches, divergent evolution, divergent evolution. Right? Vertebrate, this is homologous, it is divergent evolution. Same structure, different function, all three are divergent. Seventh question. Pranjal Saxena, जब रोज क्लास में नहीं आओगे तो फिर यही होगा. Because Sia, that is same structure, different function. So four limbs is divergent, not divergent पूछा था. Well done. Dogfish and whale convergent. Well done. You remember streamlining of body? Do you remember streamlining of body? Both the times body is streamlined. Cartilaginous fishes, bony fishes, body is streamlined. Bataya tha, diagram dikhaya tha. Bony fish hai, cartilaginous fish hai, body streamlined hai. चलिए 20 क्वेश्चंस और करके दिखाइए. सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. भारी से लल्लू सवाल नहीं आ सकता एग्जाम में. इसे लल्लू सवाल ही नहीं आ सकता एग्जाम में. Saltation, Hugo de Vries, single step, large one, saltation, well done. Agla sawal. 9. The basic concept of chemical evolution. Apparent Haldane wala. Apparent Haldane wala. Chemical evolution. Possible origin of life by combination of chemicals under suitable environment. It was given by the scientist jinka naam tha A.I. O'Parin and J.B.S. Haldane. Inhone hot prebiotic soup bola. It was proved by two scientists jinka naam tha Urey and Miller. Methane, hydrogen, carbon dioxide, water vapor, lightning, coming back to the water, boiling of water off the craters of the earth by volcanic eruptions. Yes, everybody. You remember this question number 10. Chemical evolution in origin of life was Miller, Darwin, Lamarck, Wallace. Easy hai, peasy hai, lemon ka, squeezy hai, Darwin ne nahi kiya hai, Urey and Miller ne kiya hai. Chaliye. Eleven.
एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. Oparin and Haldane. Yes? Wow, Chunumundu are quite on a roll. NH3, H2O, CH4 and C2H6 कहाँ से आ गया? सल्फर डाइऑक्साइड मैंने तो नहीं पढ़ाया. कहाँ से पढ़कर आए? मैंने तो नहीं पढ़ाया चुनुमुन्नू. गुड अंकिता, गुड दीपक, गुड बागानी. 13th क्वेश्चन. खुशी, आयुषी, नू, अर्थ फॉर्म मैंने बताया, शुरू में लिखवाया, हैंडमेड नोट्स में भी लिखवाया. जोयल, आयुषी, आसमी, थनिष्का, थान्या, अदमिना. बट आई विल टेल यू, आई थिंक अ स्पेशल स्ट्रैटेजी लेक्चर ऑन KVPY. अब इसका जवाब दीजिए. मैं आई थिंक अ लेक्चर. 3-1. $4.5 billion years ago. Well done. यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाई इज इट नॉट मूविंग? चलिए variations during mutations of meiotic recombinations are meiotic. Random, their mutations are variations are, you can't predict. आप कैसे predict कर सकते हो? Right? ऐश्वर्या राय की बच्ची के आंखों के हरे रंग होंगे, variations. कैसे करोगे आप predict? It is random. नहीं है. It is directionless. Yes? 15. No, Dipanshu, no, beta. फॉसिल्स, ये भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे जो मैंने आपकी क्लास ली थी इसकी. चलिए मैंने ये वर्ड यूज किया था फर्स्ट लेक्चर ऑफ एवोल्यूशन में. एनी टाइप ऑफ रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर मैंने आपको बताया था. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सेडिमेंट्री रॉक्स, मैंने आपको राजस्थान का एग्जाम्पल भी दिया था. मैंने आपको ये भी बोला था जितना ओल्डर होगा उतना डीपर होगा, जितना न्यूअर होगा उतना ऊपर पाया जाएगा. राइट, सैंडस्टोन, हवा महल जिसका बना हुआ है सैंडस्टोन. राइट, एग्जैक्टली रोनल. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट कॉज चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, कल पढ़ाया मैंने. नॉट कॉज,
लार्ज पॉपुलेशन, वेल डन। नेक्स्ट, बिकॉज बेटा अगर स्मॉल होगी तो सीवर राइट इफेक्ट होगा, स्मॉल होगी तो चेंजेस दिखाई देंगे, लार्ज में नहीं पता चलता। What was the temperature? Khushi, Prasanna, Dipanshi, Sandhi, Nazneen, Humeru, Ashmi, Deepak, Shreya. Bitter, dropper's batch is starting very soon. Morning classes for dropper's batch is starting 800 degrees Celsius. Well done. Agla sawal. Question number 18. 800 degrees Celsius. Study of fossil ko kya kehte hain? Well done. Next question, 19. Which of the following statements is true? Which of the following statements is true? Flipper of penguin and dolphin are analogous organs. Right? They are analogous organs. What is the meaning of homologous organs? Same structure, different function. What is the meaning of analogous organs? Different structure, same function. Is that clear? Done? Well done. Googly shoogly hote rehte ho. 20th, 9th question. Thanks, Elisha, Neha, Saba. Kisne diya tha nature select karta hai? Kisne di thi ye theory? Alfred Wallace, Lamarck, Charles Darwin, O'Parin and Haldane. चार्ल्स डार्विन, यार ये तो गलत नहीं करते बेटा, ये कहां से गलत कर दिया? लेमार्क ने कहां से दिया? लेमार्क ने दिया था यूज एंड डिसयूज की थ्योरी, एप्टेंसी की थ्योरी, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, मैंने इतना समझाया भी था। लेमार्क बड़े स्टाइलिश है, फ्रांस के रहने वाले, डार्विन जी ने दी थी। अल्फ्रेड रूसेल वॉलेस से तो चार्ल्स डार्विन जो है वो बड़े मोटिवेट हुए थे, याद करो टी आर मैल्थस का नाम लिया था। ओपेरन एंड हैंडे ने तो केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी दी। नेचुरल सिलेक्शन मैंने बताया था, माँ बाप से गुस्सा हो गए थे, माँ बाप से गुस्सा होकर शिप पे बैठ के चले गए थे, नेचर को ऑब्जर्व किया था, गैलापागोस आइलैंड, सब कुछ बताया था मैंने। डार्विन की कहानी भी सुनाई थी। Small
आइसोलेटेड पॉपुलेशन. जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ होता है? छोटे आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होता है. सी वो राइट इफेक्ट होता है. मैंने आपको वो पैर से कुचले जाने वाले ग्रीन कलर के बीटल का एग्जाम्पल दिया था. मैं सी वो राइट इफेक्ट एक बार दोबारा समझा दूंगी कल की क्लास में. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. चलिए सेम फोटो किए हमने. बोथ ए एंड सी होमोलोगस एंड कन्वर्जेंट. ट्वेंटी थर्ड. चलिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन. मिट्टी से कुछ हो जाएगा. लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. लाइफ अरोजेस फ्रॉम लिविंग थिंग्स इज बायोजेनेसिस, जो स्पैलेंसानी लुई पाश्चर ने बताया है. बेटा बोथ लिविंग में लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से होती है. ए बायोजेनेसिस. मैंने आपको एम्पोडोसील्स का एग्जांपल दिया था. मैंने आपको बोला था एरिस्टोटल उस जमाने के, प्लेटो जमाने के कहते थे. इसके बाद आए स्पैलेंजानी, इसके बाद आए फ्रांसिस्को रेड्डी, इसके बाद आए लुई पाश्चर. उन्होंने बोला ए बायोजेनेसिस नहीं होता, बायोजेनेसिस होता है. एक एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया. एवरी क्वेश्चन आई हैव डन इन द क्लास. चलिए एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर एग्जांपल्स ऑफ reverse evolution, artificial selection, mutation, natural selection. आर्टिफिशियल. नेचर नहीं सिलेक्ट कर रहा है. आपने हॉर्स और डॉगी को कंबाइन करके म्यूल बना दिया. आपने बेस्ट कैटल को चूज किया. आपने बेस्ट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स को चूज किया. इट इज आर्टिफिशियल. राइट नाउ टेल मी हाउ मेनी प्लस हाउ मेनी नेगेटिव टिल नाउ. पेलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन रेफर टू द पेलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस. क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फॉसिल्स है, एनालॉगस है, होमोलोगस है, क्या है? Fossils. Well done. Whale, bat, cheetah, man.
They share a common ancestor. Boreworms or forelimbs or whale back, cheetah, sab kiski bani hai? Humerus, radius, and carpal metacarpal phalanges. Humerus, radius, and carpal metacarpal phalanges. Humerus, radius, and carpal metacarpal phalanges. So they're all similar. Right? They have common ancestors. Bilkul Adina, you're absolutely right. 27, 28, 29. Three more questions to go. Speed badhaiye. Let's see how you're doing. Analogous organs kyun aate hain? Analogous, homologous nahi hai. Same structure, different function nahi hai. Different structure, same function. Wings of butterflies and let's say insects or birds. Bataiye. अरे वाह, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्वेंटी एथ क्वेश्चन. अरे सेम थर्ड फोर्थ क्वेश्चन. बेटा pre-existing variation in the population. It was sudden variation nahi, adaptive variation nahi. No. देखिए ये आपका एक bacteria, ये bacteria का DNA, इसके पास अपने आप because of a change एक plasmid आ गया, अपने आप plasmid आया, nobody got a plasmid. और इसके पास first plasmid आ गया, अपने आप pre-existing, इसने बस उसे spread कर दिया through conjugation और नेचर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया थ्रू नेचुरल सिलेक्शन. तो ये कोई लेकर नहीं आया, इट वॉज प्री एग्जिस्टिंग, वो अपने आप पहले से प्रेजेंट था पॉपुलेशन में. ये सारे क्वेश्चन टर्म वन के क्वेश्चन भी हो सकते हैं या टर्म टू के क्वेश्चन भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन सिलेबस. किस टाइप का सिलेक्शन है? नेचर ने पहले व्हाइट वाले को चूज किया, फिर नेचर ने ब्लैक वाले को चूज किया. डायरेक्शनल, पहले एक तरफ, पहले व्हाइट वाला, फिर बीच का नहीं है. कैन यू अप्लाई द लॉजिक दैट आई टोल्ड यू? पहले इस तरफ. डायरेक्शनल सिलेक्शन. प्लीज गो होम, रिवाइज वंस अगेन, सॉल्व द मेंटी. स्नेहा सावंत फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम श्योर. अरुणिमा, माय वाणी एंड दीप्ति, कवि पवित्र, प्रियंवदा, डीपी, दीपांश, बायो मेंटर्स कमांडो भी कोई आ चुके हैं. वेरी नाइस. एंड अनामिका पटेल. भाई आप मैस्कॉट हो, कमांडो हो या कोई भी हो, वो तो आप बच्चे ही और इंडिया के बच्चे हो, तो आप पढ़ो और आगे बढ़ो. यस एवरीबडी, दैट्स व्हाट ऑल द टीचर्स वांट. सुपर डुपर अमेजिंग. सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय. डोंट फॉरगेट टू गो इनटू द वेबसाइट जिसका नाम है vdnt.in/needcc vdnt.in/vdpro. कोड लगाइए वीडी प्रो, आ जाइए रेगुलर क्लास में. ट्रस्ट मी, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए. कोड वीडी प्रो है. ट्वेल्थ वालों पढ़ना शुरू कर दो. इस साल तो फिजिक्स में बैंड बज गई, आपका कहीं बैंड ना बच जाए तो पढ़ लो. यस, टेक केयर,
बायो तो सॉर्टेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लो, अपना रैंक मुझे मेन कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए आपका क्या रैंक आया है. बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय. और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स टू एक्सेल इन नीट 2022. बाय.